तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। जल्दी से पहले भाई कमेंट सेक्शन के अंदर 1 करोड़ कमेंट्स कर दो, आज मेरा बर्थडे। मजाक कर रहा हूं भाई, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने टैग किया स्टोरीज पे एंड करे जा रहे हैं, मेरा इंस्टाग्राम लैग हैंग मार रहा है। तो सबसे पहले सबको थैंक्स जिन लोगों ने विश किया एंड जो लोग आगे कर रहे हैं सबको एक साथ ही थैंक्स भाई, एक एक नाम लेके करना तो मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल है। तो सबको जितने भी बंदे कमेंट्स कर रहे हैं या फिर जितने भी बंदे मुझे इंस्टा ट्विटर सब जगह पे विश कर रहे हैं सबको हैप्पी बर्थडे, सॉरी सबको थैंक्स मेरी तरफ से। बाकी भाई इस वीडियो के अंदर बहुत भयंकर अपडेट्स है और मैं जल्दी से अपडेट्स कवर करके मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं आपको बता देता हूँ। सेमी जेन ने ब्लडलाइन की मेमोरीज कर दी हैं डिस्ट्रॉय, साथ में जॉन सीना को लेके भाई लोग बैड न्यूज़, क्या बैड न्यूज़ है वो जानने वाले हम लोग मंडे नाइट रॉ की वेबसाइट पर और भी अपडेट्स है इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग वीडियो को देखना बिल्कुल एंड तक, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर लें मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, दोनों की लिंक आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बातों को वैसे हम लोग सबसे पहले शुरू कर लेंगे मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप से। तो भाई मंडे नाइट रॉ की जो व्यूअरशिप है वो सही आई है लेकिन लास्ट वीक से कम है, क्योंकि लास्ट वीक का जो एपिसोड था वो काफ़ी स्पेशल था, काफ़ी सारे लेजेंड्स थे वहाँ पे, अंडरटेकर थे एंड बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स थे। 30th एनिवर्सरी वाला एडिशन था वो मंडे नाइट रॉ का एंड वहाँ पे जो व्यूअरशिप आई थी वो थी 2.344 मिलियंस, कुछ इतनी थी, बहुत अच्छे नंबर्स थे वो। इस वीक की व्यूअरशिप उससे घटी है लेकिन स्टिल मंडे नाइट रॉ की जो एवरेज व्यूअरशिप आ रही थी 1.5-1.6 उससे तो बेटर ही है। रॉयल रंबल के फॉल आउट के बाद का एपिसोड था ये जो व्यूअरशिप आई है वो आई है भाई कुछ 2.1 मिलियंस, तो सही है मेरे हिसाब से नंबर्स। जैसा एपिसोड था उसी हिसाब से तो वर्थ इट है। आपके हिसाब से व्यूअरशिप कैसी है, क्या ये व्यूअरशिप ज़्यादा आ गई, क्या ये व्यूअरशिप कम आ गई या फिर एग्जैक्ट ये नंबर्स परफेक्ट हैं, कमेंट करके आप लोग जरूर से बता सकते हैं। बाकी एपिसोड आपको कैसा लगा था, आपने रैंक नहीं किया, रेट नहीं किया तो रेट करके अभी भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। बाय द वे मंडे नाइट रॉ की शुरुआत जो है कल करी थी कोडी रोड्स ने एंड जो कोडी रोड्स का गाइस सेगमेंट था, प्रोमो था, वो था अनस्क्रिप्टेड। ये कुछ अपडेट निकल के सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि जो कोडी ने प्रोमो कट किया था शो के स्टार्टिंग में रोमन को चैलेंज करने के लिए, उसमें 0% स्क्रिप्टिंग थी, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं थी। कोडी रोड्स आते हैं खुद से ही जो है भाई प्रोमो कट करते हैं, अपनी बातों को बताते हैं, दिल से चीज़ें उगलते हैं अनटिल एंड अनलेस जजमेंट डे अपियर होती है। जजमेंट डे जैसे ही अपियर होती है फिर सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड हो जाती हैं, लेकिन जब तक जजमेंट डे अपियर नहीं हुई थी, जब तक कोडी रोड्स के ऊपर सारी चीज़ें थी, तो उन्होंने सारी चीज़ें अनस्क्रिप्टेड करी एंड परफेक्टली एग्जीक्यूट करी। मतलब कोडी रोड्स के पास कितना क्रिएटिव कंट्रोल है, कितना वो जा सकते हैं खुद से अनस्क्रिप्टेड, वो तो देख के मालूम हम लोगों को जरूर से चल चुका है कि कोडी रोड्स अनस्क्रिप्टेड गए थे बहुत ज़्यादा एंड ऐसा नहीं है कि अनस्क्रिप्टेड जाके उन्होंने कुछ भी ऐसा बक्सा दिया। काफ़ी अच्छा प्रोमो था ये, कहीं से पता ही नहीं चला कि अनस्क्रिप्टेड है एंड रोमन को कुछ इस तरीके से कोडी रोड्स ने अनस्क्रिप्टेड वे में चैलेंज किया रेसलमेनिया के लिए, मैच भी सेट हो गया। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं ब्रॉक एंड बॉबी के बारे में। पता नहीं इनका मैच कब होगा यार, कभी अपडेट आती है कि रेसलमेनिया में होगा, कभी अपडेट आती है एलिमिनेशन चैम्बर में होगा। अब पहले बताना था डेव मेल्जर का कि रेसलमेनिया में होगा ब्रॉक वर्सेस बॉबी, ब्रॉक वर्सेस गंथर नहीं होगा, लेकिन अब मेल्जर कह रहे हैं कि ब्रॉक वर्सेस बॉबी एलिमिनेशन चैम्बर में होगा। तो अगर एलिमिनेशन चैम्बर में मैच होता है तो क्या एलिमिनेशन चैम्बर के बाद फिर से ये वाला मैच रेसलमेनिया में होगा, इतनी बार कराने का कोई सेंस है नहीं। ऑलरेडी मेरे हिसाब से 2 बार ये मैच हो चुका है, अगर एलिमिनेशन चैम्बर में होगा तो ये 3रा मैच हो जाएगा, फिर 4थे का सेंस क्या बनेगा रेसलमेनिया में कराने का, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई आपके हिसाब से परफेक्ट प्लेस क्या है, रेसलमेनिया या फिर एलिमिनेशन चैम्बर, कहाँ पे ये वाला मैच होना चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर से बताओ। मेरे हिसाब से भाई देखो अगर करा रहे हो तो ठीक है रेसलमेनिया में करा दो, फ्यूड रैप अप कर दो रेसलमेनिया में करके, एलिमिनेशन चैम्बर में करना ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं वैसी वाइब्स आ जाएगी कि भाई बीच में छोड़ के चले गए, तो रेसलमेनिया में ही कर दो, एलिमिनेशन चैम्बर में करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी भाई आपके थॉट्स आप लोग कमेंट करके बताना, कहाँ पे आप लोग देखना चाहते हो ब्रॉक वर्सेस बॉबी, रेसलमेनिया या फिर एलिमिनेशन चैम्बर, आपके थॉट्स कमेंट्स के अंदर आप लोग लिख के जरूर से बता सकते हैं। हम लोग बात करते हैं गाइस जॉन सीना के बारे में, बैड न्यूज़ है मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट को लेके। स्टोन कोल्ड ने पहले मैच को ऑफर टर्न डाउन किया, वो रेसल नहीं करेंगे रेसलमेनिया में, रॉक फिजिकली प्रिपेयर्ड नहीं है रेसल करने के लिए एंड जॉन सीना रोड टू रेसलमेनिया का पार्ट नहीं होंगे। अब इस रोड टू रेसलमेनिया में एग्जैक्टली पेपर व्यू भी काउंट हो रहा है या फिर नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन रिंग साइड न्यूज़ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि रोड टू रेसलमेनिया में बहुत रेयरली ही जॉन सीना आ सकते हैं, वैसे तो आने के चांसेस ही नहीं है, लेकिन अगर आते भी हैं तो बहुत रेयरली आएंगे क्योंकि उनकी मूवी शायद ऑस्ट्रेलिया में कोई शूट हो रही है, ऐसी अपडेट है। तो भाई ये मूवी इतना काम बिगाड़ रही है WWE फैंस का, चाहे वो रॉक की बात हो या फिर जॉन सीना की, भाई क्या ही कहा जाए, इसके ऊपर आपके थॉट्स हैं कमेंट करके बताना। लेकिन मुझे ज़्यादा बिलीव है कि जॉन सीना तो कम्पीट करेंगे ही रेसलमेनिया में, उनका मैच होने वाला है ऑस्टिन थ्योरी से, जिस तरीके से ऑस्टिन थ्योरी पोक कर रहे हैं कोई चांस ही ना है कि ना हो, लेकिन फिर भी देखते हैं भाई, जब किस्मत ख़राब हो तो कुछ भी हो सकता है। बाकी अपनी जो आखिरी स्टोरी है वो जुड़ी हुई है सेमी जेन को लेके। सेमी जेन ने ब्लडलाइन की मेमोरीज डिस्ट्रॉय करी है, जी हाँ, सेमी जेन की तरफ से एक ट्वीट आया है एंड भाई 40,000 लाइक्स,
कुछ घंटे के अंदर जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था तो 40,000 लगभग लाइक थे। एंड आप देख सकते हो कि स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पे, कोई कैप्शन वगैरह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्लड लाइन के फोटो फ्रेम्स, फोटोग्राफ्स एंड जो मेमोरीज हैं वो यहाँ पे सेम इमेज निकाल के रख चुके हैं। टेक इट टू द कर्व, यानी कि इसको कचरे की पेटी में डालने की तैयारी है। तो सेम इमेज का मन बिल्कुल फट गया ब्लड लाइन से। एंड इतने सारे लाइक्स भाई, सेम इमेज के पास जो इंगेजमेंट है करेंटली वो कसम से बहुत अलग लेवल की है, रोमन रेंज से भी ज़्यादा है, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स थी एंड आई होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना आने वाले टाइम में ऐसी फास्टेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सॉफ्टवेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।